राहुल गांधी जी, आपको भारतीय सेना के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, लेकिन दिल्ली में बैठकर जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलते हैं, उसमें आपने भारतीय सेना का और हमारे शहीदों का अपमान करा। मैंने सोशल मीडिया पे देखा। This 30,000 crores could be given to you when you die in a plane crash. ये आप हमारे शहीदों के लिए बात कर रहे हैं, हमारे सैनिकों के लिए बात कर रहे हैं? कोई भी साधारण व्यक्ति जो इस मिट्टी से जन्मा हो, इस संस्कृति को जानता हो, वो समझ सकता है कि सैनिकों का, शहीदों का सम्मान करा जाता है। और आपको मर्सनरीज और सैनिकों में फर्क तो पता ही होगा। उसमें मैं आपको डिक्शनरी से समझाता हूँ। मर्सनरी होते हैं वो जो किसी भी समूह, किसी भी देश के लिए पैसे के लिए लड़ते हैं। हमारे सैनिक किसी भी देश के लिए नहीं, भारत के लिए लड़ते हैं। हमारे सैनिक पैसों के लिए नहीं लड़ते, आत्मसम्मान, भारत की रक्षा और भारत के सम्मान के लिए लड़ते हैं। आप राजनीति करिए, लेकिन अपनी राजनीति में शहीदों का और सेना का अपमान मत करिए। और ये मैं एक सैनिक होने के नाते कह रहा हूँ। अब क्या आपसे उम्मीद करी जा सकती है?